बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों को प्रोड्यूस करने वाले शाहरुख खान अब रख रहे हैं रीजनल सिनेमा के निर्माण में कदम। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने की है मराठी फिल्म बनाने की घोषणा। हाल ही में एक इवेंट में शाहरुख ने किया इस बात का खुलासा कि उनकी टीम करीब एक साल से मराठी कहानियों पर काम कर रही है। इवेंट में शाहरुख ने कहा, मराठी फिल्म सैराट मेरे दोस्तों ने बनाई है। अभी कुछ दिनों पहले ही वो मुझे सैराट का बिजनेस समझा रहे थे। मैं अभी तक सैराट ठीक से नहीं देख पाया हूँ, लेकिन फिल्म का कुछ हिस्सा देखा है। मुझे फिल्म के डायलॉग बहुत पसंद आए। मैं खुद अपनी कंपनी रेड चिलीज के अंदर मराठी फिल्म का निर्माण करने की तैयारियों में जुटा हूँ। मुझे लगता है रीजनल फिल्मों में हमारी कंपनी और अच्छा काम कर सकती है। सभी तरह का रीजनल सिनेमा महत्वपूर्ण है, लेकिन महाराष्ट्र में मराठी सिनेमा जरूरी है। मेरे कई दोस्त भी हैं जो मराठी सिनेमा से जुड़े हैं। रितेश देशमुख हैं, जिनसे मैं मराठी फिल्मों की बातें सुनता रहता हूँ। मुझे लगता है मराठी सिनेमा की कहानियाँ हिंदी फिल्मों से ज्यादा रोचक हैं। इस समय मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, लेकिन मैंने पिछले एक साल से बहुत ही सीरियसली अपनी एक टीम को मराठी फिल्मों के कामकाज पर लगा दिया है। मैं चाहता हूँ कि हम जल्द ही मराठी फिल्में बनाएं। हमें इससे बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। शाहरुख खान बिजनेस के मास्टरमाइंड कहे जाते हैं, और जिस तरह से पिछले सालों मराठी सिनेमा की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, तो शाहरुख का मराठी सिनेमा में इन्वेस्ट करना शॉकिंग नहीं है। वैसे शाहरुख का मराठी फिल्मों में इन्वेस्ट करना मराठी सिनेमा के अच्छे दिनों की शुरुआत कही जाएगी, क्योंकि शाहरुख की वजह से अब मराठी फिल्में न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरी दुनिया में देखी जाएंगी। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।